चौधरी का चौधरी एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज मतलब एक तो ये था कि इट्स सच अ क्लासिक ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मुझे मेरा खास खुद मेरा मुझे बहुत लगाव है इस गाने से, बहुत खूबसूरत गाना है और एक बहुत बड़ा क्लासिक है। तो पहले एक डर था कि यार एक ऐसे गाने को अटेम्प्ट कर रहे हो आप जिसको लोगों ने इतना पसंद किया है इतने सालों से, बट क्या होता है ना एज ए म्यूजिशियन आपका मन होता है कि आप वो गाना इसलिए गाएं बिकॉज वो आपको पसंद है, पब्लिक की पसंद को आप मतलब बाद में सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि आप मेरे लिए वर्क करना चाहिए, कि मेरे को गाते हुए मज़ा आना चाहिए। तो मेरा एक बैंड है सोनू उसका नाम है, तो लाइव बैंड है, तो उनके साथ हमने मिलकर थोड़ा जैम किया, फिर इसके बारे में जब गाना बन गया तो फिर हम उसके आगे बढ़े कि यार अब इसका वीडियो किस तरह का होना चाहिए, और उस पर जब थोड़ी कोशिश की तो हमने बोला यार एक इतने बड़े क्लासिक गाने को अगर आप आज की तारीख में आज के दौर में उसको अडेप्ट करेंगे तो उसका कलर किस तरह का होना चाहिए और किस तरह की ऑडियंसेस आज की तरह हैं, 2017 में किस तरह की ऑडियंस है, तो उसको लेकर मैंने कहानी लिखी। कहानी का बेसिकली सारांश ये था कि एक ऑल्टर ईगो की जो बात होती है कि जो आप किसी को पर्दे पे देखते हैं आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्टड है, ये बहुत बड़ा स्टंटमैन है या बहुत बड़ा सुपरमैन है, लेकिन वो असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो वो एक बेसिक एक फ़ैन की एक कहानी है, जो एक फ़ैन एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी को देखती है जिसको उसने बैंडो बॉयज से फॉलो किया है और उसको अब वो एक मूवी स्टार बन गया है, और वो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी है कि यार मैं काश मैं इसके साथ होती और मैं उसके साथ मतलब दिस इज़ हाउ आई सी हिम। और जब वो शूटिंग पे पहुंच जाती है उसके बाद जब ख़त्म होता है तो उसको लगता है कि यार ये आदमी जब मेकअप रूम में इसको देखती है तो या तो बहुत ही शरीफ था, साफ़ सुथरा और मतलब सिंपल आदमी है, तो वो जगह एक कोने में बैठती है अपनी आंखें बंद कर लेती है, बोलती है कि मेरी फैंटेसी की ज़िंदगी में जिस तरह का ये आदमी है मिलने काफ़ी है। तो ये एक सोच थी, एक जो सुर हमने पकड़ा था। बहरहाल इस गाने को हमने लाइव किया है परसों शाम को 6 बजे, यूट्यूब पर डाल दिया था लेकिन उसको हमने प्रमोट नहीं किया था, परसों 6 बजे हमने इसको फेसबुक पर डाला है और कल शाम के 6 बजे तक वी हैड हिट अबाउट 500,000 व्यूज़। तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यार एक जो यंगर ऑडियंस है वो पुराने गानों को काफ़ी एक्सेप्ट करती है, दे लाइक। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं वो जो पीस टू कैमराज होते हैं ना कि आप गिटार पे बैठ के साथ बैठे और आपने गा दिया, वो बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं लेकिन 90s का अर्ली 2000 का एक दशक था जहाँ पर एक कहानियाँ बनती थी प्रॉपर और उनमें बहुत सारी प्रोडक्शन वैल्यू होती थी, खर्चा होता था, उस चीज़ को लोग फॉलो करते थे। तो वो मैं चाहता था कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो उस तरह से एक जी। बाकी के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, कॉल करण ओबेरॉय रोमांसिंग लाइफ, और वहाँ पर ये मेरे यूट्यूब पे भी है एज करण ओबेरॉय चौधरी का चांद, और मेरे फेसबुक पे है, मेरा ट्विटर अकाउंट है आई एम करण ओबेरॉय, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है करण ओबेरॉय ऑफिशियल। तो जितने लोगों ने ये पसंद किया है, 500,000 लोग और जो बाकी लोग देखना चाहते हैं, दे कैन गो एंड वॉच इट हियर। थैंक यू सो मच यार।